वैसे तो ट्रेलर बहुत सारे आए हैं और सबको मैं एक साथ रिव्यू कर देता, लेकिन ये दो ट्रेलर को मैं अलग से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिखाया गया वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है और उसी सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के ही खेला गया है। मैं बात कर रहा हूँ बजरंग और अली और हमारे 12। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बजरंग और अली जो मूवी है आ रही है उसके ऊपर में। इसका जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दो कैरेक्टर है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। बजरंग बोल के एक कैरेक्टर है और अली बोल करके एक कैरेक्टर है जो कि बहुत गहरी दोस्ती रखते हैं आपस में और इन्हीं की दोस्ती को लेकर के कहानी आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रेलर में जिस तरह से कहानी को दिखाया जा रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम दोस्त थे और फिर वो दोस्ती जो है काफी गहरी थी। मुस्लिम दोस्त जो है वो हिंदू दोस्त के लिए जो है पूरा श्लोक पढ़ रहा है, सारे मंत्र पढ़ रहा है और बेझिझक से हर चीज को वो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जा रहा है कि जो हिंदू दोस्त है वो बिंदास जो है वो मुस्लिम का अजान भी पढ़ रहा है, पता नहीं कैसे, और ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको तो पाकिस्तान जाना चाहिए, मुस्लिमों का जगह नहीं है ये इंडिया, इनको भेजो उठा करके पाकिस्तान, और हिंदू मुस्लिम दोस्त कैसे हो सकते। चीख चीख करके हर भाषण में ये चीज बताया जा रहा है कि तुम्हारे वो मुस्लिम को सारी चीजें दे दी जाएगी। और फिर दूसरे दिन कहते भी है कि देखो भाई इतनी भी नफरत नहीं फैला रहा हूं, तो ये फिल्म ऐसे कैसे कर सकती है। ओके, बैक टू द टॉपिक कि भाई ट्रेलर के अंदर में जो है धीरे धीरे ये दोस्ती अच्छी से दिखाई जा रही होती है और अचानक से एक मोड़ ऐसा आता है जहां पे हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाते हैं, मतलब दंगे वगैरह हो जाते हैं और उसके बीच में जो है वो एक दूसरे के बीच में वो खटास आ जाती है। फिर एक डायलॉग आता है, उस डायलॉग में वो कहता है तुमको मारने के लिए वो हथियार कहां से लाऊं, इंसानियत को मारने के लिए हथियार कहां से लाऊं, बस नफरत ही काफी है, वो नफरत एक दूसरे को मार देगी। अब भाई ऐसे ऐसी चीज यार लोगों को नहीं हजम होगी, और एक चीज ये सिर्फ एक छोटा फिल्म मेकर ही बना सकता है क्योंकि जहां तक ये ट्रेलर मैं देख रहा हूँ उसकी जो क्वालिटी है, जो भी स्क्रीन प्ले वगैरह दिखाया है, उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एक फिल्म आई थी बीच में सुशांत करके, जो कि कहा जा रहा था सुशांत सिंह के ऊपर में एक बायोपिक होगी जो कि निकली पुस, और बिल्कुल उसी लेवल का है। और ये मूवी जो बनाया गया है इसको अगर एक अच्छे क्वालिटी में, अच्छे बजट के साथ में, सही कास्ट को लेकर के अगर बनाया जाए तो काफ़ी दूर तक बात पहुंचेगी। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं इस फिल्म को देखने के लिए कोई नहीं जाने वाला, बस ट्रेलर हाइप क्रिएट कर रहा है। वहीं पे दूसरे ट्रेलर की अगर बात की जाए जहां पे नाम रखा गया हमारे 12, ये टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि अभी अभी फिलहाल में हमारे प्यारे मोदी जी ने जो कहा था कि जिनकी ज़्यादा आबादी है उनको ये मंगलसूत्र और हमारे भैंस दे देंगे। यार हमारे भैंस क्यों, तो हमारे 12 का मतलब ही यही है कि ये किस कौम के बारे में बताई जा रही है, कौन सी कम्युनिटी है, क्या है, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इसको कोई छुपा उपा करके नहीं रखा गया है कि आप अंदाजा लगाओ, खुले तरीके से दिखाया जा रहा है कि अनु कपूर जी जो है यहाँ पे एक मुस्लिम कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और ये पूरी कहानी जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ही है कि ये कैसे अपने औरतों को ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक मुल्ला जी जो है खड़े होकर के भाषण दे रहे होते कि बीवियां तुम्हारी खेत है और जाओ जा करके तुम अपनी खेती करो, मतलब जितने फसल चाहे उतने फसल काटो। कहने का मतलब यह है कि औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है। बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है और यहाँ पे अनु कपूर जी का जिस तरह से दिखाया जाता है रूप कि उनको डेली का डेली चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए, अगर नहीं मिली तो वो नाफरमानी है। मतलब मुल्ला जी कुछ ऐसे ही कह रहे होते कि अगर पति तुमको बुला रहा है तो वो तुमको जाना ही पड़ेगा और इस पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, और अगर तुम्हारे पीरियड्स भी चल रहे हो तब भी तुम्हें जा करके करना है। तो अब आप समझ सकते हो ये टॉपिक किस बारे में, बहुत ही ब्लंट बोल्ड तरीके से सामने में रखे जाने वाले हैं। अब जहां तक ट्रेलर दिखाया जा रहा है, ट्रेलर में तो पूरी तरह से नफरत ही दिख रही है, लेकिन एग्जैक्टली मैं उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म में भी जो है आखिर में कुछ ऐसा बताया जाएगा जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सही और गलत में फ़र्क करके दिखा सके। तो ये दोनों मूवी जो है एक तरह से टारगेटेड है कि अभी किस पे वार चल रही है और ये कौन सी जनता देख करके ज़्यादा खुश होने वाली है और उनको मज़ा आ जाएगा। जब भी एक खास कम्युनिटी पे जाकर के उंगली उठाओगे, उस पे फिल्म बनाओगे तो मज़ा आ जाएगा। शायद इन दोनों फिल्म मेकर को ये ज़रा भी एहसास नहीं है कि केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी वो चल गई थी, बहुत सारी फटकार भी पड़ी थी, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी आया था कि आप सही आंकड़ा बताओ, और उसके बाद से उसी भाई साहब ने जब दोबारा फिल्म लाया जिसका नाम था बक्सर, जहां पे नक्सलों की स्टोरी दिखाई गई थी, उसको कोई भी पूछने नहीं गया था। तो आई थिंक इनको नहीं समझ में आ रहा है कि नफरत के ऊपर में फिल्म बनाने से आप कितना कमा सकते हो और कितने लोगों का आँख खोलने के नाम पर उल्लू बना सकते हो।
तो देखते हैं क्या होता है। बॉक्स ऑफिस में मेरा जो ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बताया कि ये दोनों फिल्में कहीं पे भी जाके काम नहीं करने वाली है, ना वो हिंदू मुस्लिम की दोस्त वाली बजरंग और अली और ना ही हमारे 12। ये OTT पे भी सबसे लीस्ट एंड लीस्ट काउंट दे करके जाएंगे, ये इतना मुझे पता है। अब जितने लोगों को भी गुस्सा आ रहा होगा वो मुझे पता है क्यों आ रहा होगा, और कमेंट पे जाकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख करके जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कैसे भी रख सकते हो जैसे मैंने रख दिया है। दैट्स इट, दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दीज टू ट्रेलर्स। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।